हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो दो तो चैप्टर का मिक्स करके बनाया गया है। एक है हमारा 11th क्लास का प्रोजेक्टाइल मोशन और सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो बेसिकली दो चैप्टर इसमें मिक्स है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले समझिएगा। क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल ऑफ मास एम, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू एंड सब्जेक्ट टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई। एक ग्रेविटी नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक व्हील हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इट इज प्रोजेक्टेड स्पीड भी इन द वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू फील्ड। वर्टिकल प्लेन में जो है और फील्ड के पैरेलल में इसको थीटा एंगल पे जो है हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस द पार्टिकल कैन ट्रेवल हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे एक बहुत ही जो है वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर वो वर्ड नहीं रहता तो बहुत टफ सवाल हो जाता। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये हमको निकालना है, वर्टिकल पे नहीं, हॉरिजॉन्टल में। अगर हॉरिजॉन्टल में नहीं रहता लिखा हुआ तो क्या करते हैं? उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन आपको बताते हैं क्या होगा। जैसे एक बात बता रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमारा एक वर्टिकल लाइन है और यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर हमारा एक चार्ज है और चार्ज क्यू है, मास एम है और इसको ऐसे थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए हैं विद स्पीड भी। यू लिख दिए, कोई बात नहीं, लास्ट में भी लिख देंगे। अब क्या हुआ कि ये जो है इस तरह से जाता है यहाँ पर आकर गिर जाता है। तो ये जो है एक प्रोजेक्टाइल की तरह हम ट्रीट तो इसको कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में इसका पाथ जो है पैराबोलिक नहीं होगा। ठीक है ना, इसका पाथ पैराबोलिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक जो है एक्सेलरेशन है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या, क्यों एक्सेलरेशन है? क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी। लेकिन एक जो है यहां पे बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है ऐसे ऐसे। तो बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस एम मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा एम जी नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इधर लगेगा के एम इनटू वी फोर्स इधर। तो एक इस डायरेक्शन में एक और एक्सेलरेशन आ गया। अगर एक्स एक्सिस में अगर एक्सेलरेशन निकालना ही चाहते हैं तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है हमारा क्यू इनटू वी, फोर्स को लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू क्यू इनटू वी। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आ गया चार्ज के पास की वी बाई एम। इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल के पास एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है तो इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा। लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना, पिछले वाले जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, यू कॉस थीटा होता था इसका, इधर वाला इनिशियल अगर हम कंपोनेंट यहाँ पे निकालें तो x एक्सिस में वेलोसिटी होगा u cos थीटा और y एक्सिस में वेलोसिटी होगा कितना, u sin थीटा। ठीक है ना, तो u cos थीटा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूछे, वर्टिकल डायरेक्शन में तो स्पीड यहाँ पे जीरो हो जाएगा लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड जो है आप u cos थीटा जहां बताएं गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अब x एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेशन आ गया है और एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन होने की वजह से जो है इसका स्पीड लगातार एक्स एक्सिस के अलोंग भी क्या होगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। पैराबोला इस तरह के नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसे बनेगा, इसलिए ये पूरी तरह से पैराबोलिक पाथ नहीं होगा। ये तो बात क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ हम डिस्टेंस के बारे में थोड़ा बता रहे थे कि डिस्टेंस का यहाँ पे क्या लोचा है। तो समझिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पार्टिकल आया यहाँ पर, तो छोटा सा मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल किया ऐसे, तो क्या लग रहा है आपको कि ए डिस्टेंस जो है सिर्फ यही ट्रेवल किया है, ए डिस्टेंस जो है कुछ एक्स एक्सिस में भी किया है कुछ वाई एक्सिस में भी किया है। देखिए इसका प्रोजेक्शन अगर हम लेंगे
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो आपको पता चलेगा कि ये दो तो एक्सिस को मिलाकर जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखिए देखिएगा, ठीक है, ऐसे ए वाला जो डिस्टेंस है छोटा सा वो dx ट्रेवल किया एक्स एक्सिस में, और या ए वाला जो डिस्टेंस है दिस विल बी dy ट्रेवल किया। तो हमेशा जो है ये दो एक्सिस में चल रहा है dx और dy, लेकिन पार्टिकल जो है पार्टिकल उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है पूछा है हमको डिस्टेंस कितना कवर किया, वो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं पूछा है। सवाल में सिर्फ डिस्टेंस बोल देता तो बहुत टफ हो जाता सवाल, अगर सवाल में डिस्टेंस हो जाता तो उसके लिए जो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का शायद लास्ट लेक्चर होगा, उसमें बताया गया है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, ठीक है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस पूछ दिया है, इसलिए थोड़ा सा सवाल क्या हो गया, आसान हो गया, सिर्फ हमको यही dx 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 मतलब ये वाला r पूछा है रेंज, ठीक है, r, वो भी r नहीं पूछा है, r का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है कितना होगा, क्या पूछा है कि यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम कितना ट्रेवल कर सकता है ये पूछा है, ठीक है। तो r का वैल्यू मैक्सिमम निकालना है, बस याद रखना, क्लियर हुआ ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक अपना, आराम से समझिएगा। अच्छा एक और, अगर वो डिस्टेंस पूछता तो एल यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पे छोटा सा लेंथ मान लेते डीएल, तो डीएल को लिखते हैं अंडर रूट डीएक्स का स्क्वायर प्लस डीवाई का स्क्वायर, और डीएक्स को लिखते क्या टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है वीएक्स का स्क्वायर प्लस वीवाई का स्क्वायर इंटू डीटी। तो ये हम आपको बता चुके हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो जाके पिछले वाले लेक्चर में हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का देख सकते हैं, ठीक है ना। कब, जब ये डिस्टेंस पूछता तब, लेकिन डिस्टेंस नहीं पूछा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है, डीएक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, बेसिकली ये रेंज पूछा है यार, वो भी मैक्सिमम। तो बता देंगे, पहले रेंज निकालना सीखते हैं। तो थोड़ा सा एक दूसरा फिगर यहाँ पे हम बनाते हैं, आराम से समझिएगा। यहाँ पर इस तरह से है, और यहाँ से पार्टिकल को फेंका गया इस तरह से, यहाँ पर आके इस तरह से गिर गया। तो जब यहाँ पे गिरा तो बताइए यहाँ पर कि स्पीड यहाँ पर कितना है, इस डायरेक्शन में वी है, चलिए, और एंगल थीटा है, तो ये हो गया वी कॉस थीटा और ये हो गया हमारा वी साइन थीटा। और हम पहले दो एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में बताओ कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, मान लीजिए टाइम टी लगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे इसको फेंके थे, टी लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए टी। x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हम बता ही दिए हैं कि v / m है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग कितना है, तो पता ही है u cos थीटा, टाइम पता ही है यहां से यहां तक आने में कितना लगा। तो क्या हम टाइम इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं वही r, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो r लिखेंगे हमारा वही x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ut मतलब uxt प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस / t स्क्वायर। तो ux, ux है हमारा कितना, u cos थीटा * t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस qe/m, ऑलराइट, * t स्क्वायर। तो ये पता चल गया, लेकिन टाइम नहीं पता, कोई बात नहीं, टाइम निकालने का दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। कैसे टाइम निकालते थे, आपको थोड़ा मोटा हल्का याद भी होगा कि जब इसको मैं ऐसे फेंकते थे तो ये बॉल जो है हमेशा नीचे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगने की वजह से यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, फिर से जीरो हो जाता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो वाई एक्सिस में अगर मोशन हम कंसिडर करें वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस माइनस जी है नीचे की तरफ, टाइम हमको वही टी लग रहा है उसको, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस के अलोंग वो यू साइन थीटा है। तो हमको एस वाई का फॉर्मूला यूज करना है, बस एस वाई इक्वल टू होगा यू आई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यू आई कितना है हमारा, यू साइन थीटा है इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस माइनस जी इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, जीरो। तो यहाँ से समझिए कि एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे टाइम सॉल्व कीजिएगा तो आएगा टू यू साइन थीटा बाई जी, टू यू साइन थीटा बाई जी आना भी चाहिए, ये सबसे बढ़िया रिजल्ट है।
रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टाइम जो है इसको टाइम वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड ही नहीं करता, यू कॉस थीटा पे। ठीक है, देखिए ध्यान से कि टाइम का जो एक्सप्रेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ही नहीं, 2 इनटू यू वाई अपॉन जी है, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, इसलिए टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालता है कोई भी एक्सेलरेशन, किसी तरह का फोर्स क्यों ना आ जाए। ठीक है ना, टाइम उतना ही लगेगा। तो यहाँ पे हमको पता चल गया, टाइम पता चल गया, अब हमको यही आर निकालना था ना, तो आर निकालना है यहाँ पे, तो आर का एक्सप्रेशन है कितना, यू कॉस थीटा इनटू टी प्लस 1/2 की वी बाय एम इनटू टी स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू है यू कॉस थीटा इनटू टी, टी कितना है हमारा 2 यू साइन थीटा बाय जी, आर यू कॉस थीटा इनटू टी माइनस प्लस 1/2 क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, टी है हमारा 2 u sin थीटा बाई जी उसका होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आर इक्वल टू 2 u को ऐसे ही रखिए u स्क्वायर, इसको लिख लीजिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कितना जी, u स्क्वायर ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, तो u स्क्वायर 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, प्लस यहाँ पे क्या होगा, तो हो जाएगा 1/2 क्यू ई बाई एम इंटू 2 का स्क्वायर 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, सॉरी m कट रहे हैं, m तो है पे करेगा 2 से 2 बार में, तो रेंज बेसिकली आ गया मेरे पास u स्क्वायर बाई जी, इसको जानबूझकर हम साइन 2 थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा क्यू ई बाई एम इंटू जी स्क्वायर इंटू 2 को बच जाएगा 2 qe/m g² इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी 2 को हटा देते हैं, समझिए 2 sin² थीटा को एक जानबूझ कर लिख रहे हैं 1 cos 2 थीटा, ये हो गया। ठीक है, दिस विल बी रेंज, रेंज आया मेरे पास। अब ध्यान से समझिए कि ये जो रेंज है इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको हमको पॉजिटिव रखना पड़ेगा और इसको हमको निगेटिव रखना पड़ेगा, तभी ना ये निगेटिव रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर ये खुद जो है पॉजिटिव हुआ तो रेंज कम हो जाएगा, तो ये बात हमेशा यहाँ पे याद रखना है। आगे चलते हैं, अगर रेंज का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये थीटा पे डिपेंड करेगा, तो हमको डी आर बाई डी थीटा क्या करना है, 0 के बराबर करना है, बस डी आर बाई डी थीटा किसके बराबर करना है, 0 के। तो करते हैं इसको, 4 मैक्सिमम आर, मैक्सिमम आर का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, समझ गए ना, मैक्सिमम आर का मतलब आर जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए डी आर बाई डी थीटा क्या होना चाहिए, डी आर बाई डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, जिस पे डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए, उससे कुछ थीटा निकालेंगे। तो बताइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं आर को थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यू स्क्वायर बाई जी कॉन्स्टेंट है उसको ऐसे रहने दीजिए, साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा कितना, कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का होगा 2 प्लस प्लस क्यू ई बाई एम जी स्क्वायर, क्यू ई बाई एम जी स्क्वायर इंटू 1 का होगा 0 और कॉस 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा और 2 भी हो जाएगा, तो प्लस साइन 2 थीटा इंटू हो जाएगा टी 2, इतना सबको पता रहना चाहिए। अभी बराबर होगा किसके बराबर, 0 के, अच्छी बात है, सॉल्व करते हैं आगे। तो बताइए कि ये वाला टर्म इधर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी इंटू कॉस 2 थीटा इंटू 2 बराबर माइनस क्यू ई बाई एम जी स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर और क्या है भाई, ओ यहाँ पर यू स्क्वायर भी था, यू स्क्वायर छूट गया है, ठीक है ना, यू स्क्वायर छूट गया है फिर शायद, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 1g से 1g कैंसिल, और कॉस 2 थीटा को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर छूट गया है, तो हो जाएगा टेन 2 थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन 2 थीटा, तो हो जाएगा एम जी बाई क्यू माइनस में इक्वल टू टेन 2 थीटा,
टेन टू थीटा का वैल्यू निकाल लिए। अगर टेन टू थीटा निकल गया हमें पे, टेन टू थीटा निगेटिव आया, तो टेन टू थीटा निगेटिव आया तो या तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा कॉस थीटा निगेटिव होगा, या साइन थीटा पॉजिटिव होगा कॉस थीटा निगेटिव, या कॉस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा निगेटिव। तो ड्रॉ का तो ये हो जाएगा एम जी, ये हो जाएगा क्यू ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज की। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लिखें, साइन टू थीटा, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम जी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। और कॉस टू थीटा लिखें तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस qv by m square g square plus q square a square। अच्छी बात है, अभी दोनों का वैल्यू तो हमको पता तो चल गया, लेकिन कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये हमको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए कि हम बताए थे कि साइन टू थीटा पॉजिटिव होना चाहिए और कॉस टू थीटा नेगेटिव होना चाहिए, तब रेंज मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ए वाला होना चाहिए नेगेटिव, ए वाला होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। अब साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा का वैल्यू हमको पता चल ही गया, तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे हम पुट कर देंगे इसमें। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन टू थीटा है, यू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का वैल्यू कितना दिया है, साइन टू थीटा का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में हमारा एम जी, एम जी, ठीक है ना, एम जी हाँ बाई अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर और प्लस प्लस क्यू ई यू स्क्वायर बाई एम जी स्क्वायर, क्यू ई यू स्क्वायर बाई एम जी स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस थीटा का वैल्यू है माइनस क्यू ई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्यू ई बाई अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। अच्छी बात है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज आ जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा एम जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए इसको यहाँ पे लिखने का जो भी सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास एम इंटू यू स्क्वायर बाई अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर और प्लस इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्यू ई इंटू यू स्क्वायर बाई एम इंटू जी स्क्वायर प्लस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा क्यू ई स्क्वायर बाई अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर, अभी सॉरी नीचे हो जाएगा एम जी स्क्वायर भी, इससे मल्टीप्लाई होगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बताइएगा, मैक्सिमम रेंज कम्स आउट टू बी अंडर रूट, इसका एलसीएम हो जाएगा एम जी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ए वाला जो कॉमन हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस इसमें हो जाएगा एक यू स्क्वायर शायद छुड़िया यहाँ पे यू स्क्वायर आएगा, तो कितना हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस इसको अलग रहते हैं क्यू ई यू स्क्वायर बाई कितना एम जी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यू स्क्वायर कॉमन है, तो यू स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बनेगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम जी स्क्वायर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर और प्लस क्यू ई इंटू यू स्क्वायर बाई एम जी स्क्वायर। यहाँ से ए वाला टर्म रूट में बार में कैंसिल हो जाएगा, ए वाला रूट बार में एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बार में रूट के, और यहाँ पे यू स्क्वायर कॉमन है यू स्क्वायर बाई एम जी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं यू स्क्वायर बाई एम जी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा, फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई एम जी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा रूट में एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस कितना क्यू ई। देखिए यहाँ पे इतना और इतना जो है कॉमन आ गया इसमें, ये हो गया हमारा मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन, ठीक है उस क्वेश्चन के लिए।
तो यही था हमारा क्वेश्चन, जो मैथमेटिकल थोड़ा सा टफ था, और कोई सवाल में टफ नहीं था, ठीक है ना। तो आप एक होमवर्क ट्राई कर सकते हैं, वही हमको डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं, सिर्फ डिस्टेंस निकालता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पॉइंट डिस्टेंस, ये आपका एलडब्ल्यू है, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट।